क्या हाल है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा बैरन लेन के आइटम बिल्ड्स के बारे में। तो देखो मैं बेसिकली बैरन लेन और मिड लेन खेलता हूं, तो तुम मेरे आइटम बिल्ड्स को कंसीडर कर सकते हो। तो देखो बैरन लेन में ना जो ज़्यादातर जो फाइटर हो गए चैम्पियन से या फिर जो टैंकी चैम्पियंस हो गए वही जाते हैं। तो मैं तुमको एक फाइटर चैम्पियन के तौर पर बताऊँगा और फिर तुम उसके हिसाब से टैंक को भी बिल्ड कर सकते हो। तो एज ए फाइटर चैम्पियन मैं तुमको कहूँगा कि पहले तुम प्रायोरिटी दो ट्रिनिटी स्टोन को। तो ट्रिनिटी स्टोन में क्या है कि जब ये तुमको जो सभी स्टेट्स हैं ना ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स तुमको प्रोवाइड कर देगा। और इसमें जो एक ये भी है कि अगर तुम कोई भी स्पेल यूज करोगे ना तो उसके अगले 10 सेकंड के अंदर तुम एनिमी चैंपियन को कोई भी अटैक करोगे तो ये तुमको बोनस फिजिकल डैमेज देगा मतलब सामने वाले चैंपियन को, और वो होगा अकॉर्डिंग टू योर 2 times मैक्स बेस। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो तुम इस आइटम के साथ जा सकते हो क्योंकि ज़्यादातर तो देखोगे तुम फाइटर चैंपियन तो भाई इसी को बिल्ड करते हैं। तो दूसरा है स्टेरिक गेज। तो इसमें क्या कि जब तुम कोई भी अटैक करोगे ना जो मतलब कोई एनिमी चैंपियन तुमको अटैक करेगा और तुम्हारी हेल्थ हो जाएगी 30% से 35% से कम, तो वो तुमको जो 75% है ना उसके अकॉर्डिंग एक शील्ड बना देगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो तुम सेकेंड टाइम पर इनको यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यार एंशेंट्स की। तो अगर देखो तुम लेन को डोमिनेट कर रहे हो, तुम मतलब किल निकाल रहे हो, तो तुम दूसरी लेन पे है ना सपोर्ट दे सकते हो। तो ऐसे में तुम टेलीपोर्ट यूज कर सकते हो, या अगर तुमको टीम फाइट्स में मतलब दिक्कत हो रही जो स्पोर्ट चैंपियन हो जो सीसी होती हार्ड सीसी या सॉफ्ट सीसी दो टाइप की होती, तो अगर तुम उनसे प्रॉब्लम हो रही तो तुम क्विक सिल्वर के साथ भी जा सकते हो। या तुम अगर टीम फाइट में मतलब तुम पर 2v1 हो रहा है या 3v1 हो रहा है तो तुम ग्लोरियस एंशेंट्स के साथ जा सकते हो क्योंकि ये उन चैंपियंस को 2 सेकंड के लिए स्लो कर देता है। यार चौथा इसमें आइटम है वो है डेथ डांस। तो ये देखो इसमें क्या होता है कि जब तुमको कोई डैमेज पड़ेगा ना तो ये उसका जो 30% है ना, एक तो ये यहाँ तक ये एकदम से कम हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि ये बल्ड इफेक्ट में होगा मतलब कि वो धीरे धीरे से कम होगा। तो इससे होगा क्या कि तुम बैकअप लेके जो फ्रूट्स होते हैं टावर के पास तो उन तक पहुँच सकते हो। तो अगला है यार मैं कहूँगा तुम गार्डियन एंजल के साथ जा सकते हो। इसमें क्या कि जब तुमको हैवी डैमेज पड़ेगा ना तो ये तुम्हारी जो 50% बेस हेल्थ है और 30% मैना तो ये उसको रिस्टोर कर देगा अगले 4 सेकंड के बाद। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, तुम गार्डियन एंजल को ले सकते हो। जो लास्ट है उसमें कहूँगा मैं स्पिरिट विशाज। तो स्पिरिट विशाज का बेसिकली ये है कि जो तुम्हारा हीलिंग रीगेन है ना ये उसको इंक्रीज कर देता है। तो अब देखो जो मैंने फाइटर का तो बता दिया, अब लेन में क्या होता है कि कई बार असैसिन जाते हैं, जैसे कि अकाली हो जाता है तुम या नासस को लेके खेल रहे हो तो सामने अकाली भी आ जाते, तो तुम उसमें क्या कर सकते हो जो स्पिरिट विशाज है ना तुम उसको चेंज कर सकते हो डेडमैन प्लेट से। तो डेडमैन प्लेट में क्या होता है कि ये तुमको बोनस मूवमेंट स्पीड प्रदान करेगा, जब तुम्हारे स्टैक्स 100 हो जाएंगे तो तुमको बोनस स्पीड देगा। क्योंकि ये होता है कि भाई जो फाइटर असैसिन चैंपियन होते हैं वो बर्स्ट चैंपियन होते हैं, वो मतलब एक बार में भाई उनके कॉम्बो लग जाते हैं, तो तुम उसमें मूवमेंट स्पीड बहुत काम आती है, तो तुम ये ले सकते हो। अब तुमने देखा कि मान लो तुम डेरियस के साथ खेलो और सामने से टैंकी स्पोर्ट जैसे कि वुकोंग हो गया नासस हो गया, ठीक है, तो तुम उसमें ट्रिनिटी फोर्स को रिप्लेस कर सकते हो ब्लैक क्लीवर से, क्योंकि ब्लैक क्लीवर जो ट्रिनिटी फोर्स के अपोजिट है तो वो उसमें तुमको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हेल्थ देगा और जो तुम्हारा डैमेज है वो भी काफ़ी होगा, और ये तुम्हारे जो है मिनिमी चैंपियन उसके जो वो होता है ना आर्मर तो ये उसको पेनिट्रेट करेगा 4% उसके कम कर देगा 6 सेकंड के लिए। तो 6 सेकंड के लिए मतलब कितना हो गया भाई 24% कम कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो तुम इसको लेके खेल सकते। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमको बैरन लेन से लेकर अगर कोई भी डाउट है तो तुम यार पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुमको बता दूंगा आइटम बिल्ड्स में को अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता क्या करना है। तब तक के लिए यार मेरा गुड बाय।